नमस्कार बच्चों, आज हम पांचवी कक्षा के पहले अध्याय मछली उछली में भाग दो के तहत एक एक नियम का अध्ययन करेंगे। आपको पता है अगर हमारे पास किसी एक वस्तु का मूल्य पता है तो आप अधिक वस्तुओं का मूल्य आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि एक पेन की कीमत 10 रुपए है, 5 पेनों की कीमत ज्ञात करो। बड़ा आसान है, बच्चे सभी से बता सकते हैं, भाई सर एक पेन 10 का, दूसरा पेन 10 का, तीसरा पेन 10 का, चौथा पेन 10 का, पांचवा पेन 10 का। यानी कि अधिक वस्तुओं का मूल्य निकालना आपके लिए बड़ा आसान होता है, क्योंकि आप सीधा ही 10 को 5 बार जोड़कर या बार बार जोड़ने के स्थान पर गुणा करके भी कर सकते हैं। इसको इकाई विधि से करते हैं। इकाई विधि गणित का सार है। गणित के सारे सूत्र इकाई विधि से ही निकल कर आते हैं। अगर आपको इकाई विधि आ गया तो समझ लो बड़ी चुटकी हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक पेन की कीमत बराबर है 10 रुपए। 5 पेन की इस ऐसे इकाई आएंगे बराबर के नीचे बराबर। अधिक पेनों की कीमत अधिक आएगी, सीधा अनुपात है, तो 10 को हम 5 से गुणा कर देंगे। 10 50 रुपए। ये बड़ा आसान है। अगला सवाल देखते हैं। एक कॉपी का मूल्य 20 रुपए है, तो एक दर्जन कॉपी का मूल्य क्या करो। बच्चों आप सभी जानते होंगे एक दर्जन में कितने होते हैं। एक दर्जन बराबर है 12 वस्तुएं। यानी कि आपने क्या निकालना है, 12 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना है। तो लिखेंगे एक कॉपी का मूल्य बराबर है 20 रुपए, और कितने का निकाला आपने, 12 वस्तुओं का। तो 12 कॉपी है ना आपके पास, 12 कॉपी का मूल्य है। ज्यादा कॉपियों के लिए हम गुणा कर देंगे, 20 गुणा में 12, 2 0 0 2 3 4। गुणा तो करने सबको आती होगी, 5 मिनट पहुंच गए आप अभी तक। तो कितना आ गया बच्चों, 244 रुपए। इसी प्रकार से आप गणित में एक एक नियम के सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। और देखते हैं आपकी पुस्तक में भी सवाल देखते हैं, जैसे कि 1 किलो झींगा मछली का मूल्य 150 रुपए है, तो 10 किलो का मूल्य ज्ञात करो। इसको भी हम इकाई के तरीके से करेंगे। 1 किलोग्राम झींगा मछली का मूल्य, मछली का मूल्य बराबर है 150 रुपए। फिर 10 किलोग्राम झींगा मछली का मूल्य 110, ज्यादा किलो का निकालना है, ज्यादा किलो का निकालने के लिए हम गुणा कर देंगे। 150 गुणा 10, 10 पे करेंगे तो 10 0 0 10 50, 5, 10 एकम 10, गलत हो गया, ऐसे करना, 0 से कर लेंगे। कितना आ गया बच्चों, 1500 रुपये। इस प्रकार से आप अधिक वस्तुओं का मूल्य बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इस विधि को ही हम एक एक नियम कहते हैं। जब हमारे पास एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ है और अधिक वस्तु का मूल्य हमने निकालना है। चलिए एक सवाल और करते हैं। एक व्यक्ति की मासिक बचत 2500 रुपए है। एक व्यक्ति की मासिक बचत, मासिक बचत का मतलब एक मास की बचत 2500 रुपए है, उसकी वार्षिक बचत ज्ञात करो। वार्षिक बचत का मतलब है कि एक वर्ष की निकालनी है। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं आपके पास, तो एक महीने की दी हुई है। देखिए एक मास की बचत कितनी है बच्चों, 2500 रुपए। कितने निकालनी है, एक वर्ष की, एक वर्ष का मतलब 12 मास, 12 मास की बचत बराबर है 2500 गुणा में 12। गुणा कर देंगे 12 0 0 12 0 0 12 5 60, 6 भाग 24 36,
30,000 रुपए आपके पास आ गई। इसी प्रकार से आप ये सवाल आसानी से कर सकते हैं। और देखो मोहित ने 600 रुपए प्रति महीना बैंक में जमा किए, बताओ एक वर्ष में कितना पैसा जमा किया। एक वर्ष में कितना पैसा जमा किए, एक वर्ष का मतलब क्या है कि 12 महीने, तो एक महीने में कितने पैसे जमा किए 600 लिखेंगे। एक महीने या एक माह में पैसे जमा किए बराबर है 600 रुपए, और कितने निकल रहा है 12 महीनों में, 12 महीने में पैसे जमा किए बराबर है 12 से गुणा कर देंगे 600 × 12 इसमें। इसी प्रकार से आप गणित में एक वस्तु का दिया हुआ मूल्य होता है या एक महीने के हिसाब से अधिक का आप गुणा करके आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।